सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल डेडिकेटेड टू साइंस, ताकि आपको साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन में हेल्प हो सके। टुडे आई एम बैक विद वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। हियर वी विल डिस्कस अबाउट आरएनए आइसोलेशन प्रोटोकॉल। आरएनए डेट इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम कैसे सेल से, प्लांट और एनिमल मटेरियल से कैसे निकालते हैं, क्या क्या इसका प्रोटोकॉल है, वो हम स्टडी करेंगे और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। आरएनए जो हम निकालते हैं उसको डीएनए से सेपरेट किया जाता है प्रोटीन से बाय सॉल्यूशन डेट इज़ द ट्राइजोल। ये एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें ग्वानिडियम, थायोसाइनेट GITC होता है, फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म। जो GITC है ये रिवर्सिवली डीनेचर करता है प्रोटीन एंड आरएनए एंजाइम को। दिस इज़ फॉलोड बाय, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है अंडर एसिडिक कंडीशन। टोटल आरएनए रिमेन अपर एक्वस फेज व्हाइल द मोस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन रिमेन आइदर इन द इंटरफेज इन द लोअर ऑर्गेनिक फेज। दोनों टोटल आरएनए दिस रिकवर बाय प्रेसिपिटेशन विद द आइसोप्रोपेनोल एंड आरएनए एंजाइम कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय DEPC डेट इज़ द डाइथाइल पायरोकार्बोनेट। तो इसका देखेंगे हम कैसे करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या मटेरियल चाहिए, फर्स्ट इज द बैक्टीरिया कल्चर, ट्राइजोल, क्लोरोफॉर्म, आइसोप्रोपेनोल सॉल्यूशन एंड TAE बफर। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर, हमने 800 माइक्रोलीटर बैक्टीरिया का कल्चर लेना है, एपेंड्रॉप छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, और इसमें ऐड करना है 160 माइक्रोलीटर ट्राइजोल 1/5 ऑफ कल्चर वॉल्यूम के हिसाब से। सॉल्यूशन दोनों मिक्स किए जाते हैं बाय पिपेटिंग सेवरल टाइम, पिपेट से सक करके, और इसमें 32 माइक्रोलीटर क्लोरोफॉर्म ऐड किए जाते हैं और इसके इंक्यूबेट करते हैं 2 से 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन से 12,000 RPM पे और 4 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं एक्वस इनटू द न्यू ट्यूब एंड इक्वल वॉल्यूम फॉर आइसोप्रोपेनोल। फिर इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है 10,000 RPM पे 10 मिनट के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हैं सुपरनेटेंट, और जो बचता है पैलेट को उसको 70% इथेनॉल में डालते हैं। उसके द्वारे 10,000 RPM पे 10 मिनट और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन, और फिर से सुपरनेट को डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद एयर ड्राई किया जाता है पैलेट को 30 डिग्री टेम्परेचर पे और 10 और 15 मिनट के लिए। उसको रीसस्पेंड किया जाता है पैलेट को 50 माइक्रोलीटर TE बफर में। एनालाइज किया जाता है आरएनए सैंपल क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। सो ये था प्रोसीजर, हम बैक्टीरिया कल्चर से कैसे आरएनए को सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड प्रोसीजर है, आरएनए को एनिमल सेल और टिश्यू से कैसे निकालना है। इसके लिए मेन रिएजेंट हैं ट्राइजोल रिएजेंट एंड क्लोरोफॉर्म। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या काम करते हैं, फ्यूम लोड, बोटेक्सर, माइक्रोपिपेट्स, चिल्ड, माइक्रोसेंटिफ्यूग, पैलेट पेस्टल, होमोजेनाइजर। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे वर्क स्टेशन जहां हमने काम करना है विद द सरफेस डीकंटेमिनेशन सॉल्यूशन, और आरएनए एंजाइम की एक्टिविटी ये ख़त्म करता है। चिल करेंगे माइक्रोसेंटिफ्यूग को 4 डिग्री पे रखेंगे। होमोजेनाइजेशन करेंगे फ्रेश टिश्यू का जो हम निकालेंगे। उसके बाद जो फ्रेश टिश्यू है, इट इज़ द प्रेफरेबल फॉर ऑप्टिमल आरएनए आइसोलेशन। हम फ्रेश ही मटीरियल लेंगे। द टिश्यू शुड बी सबमर्ज इन आरएनए स्टेबिलाइजेशन रिएजेंट इमीडिएटली आफ्टर डिसेक्शन, और इसको -80 डिग्री पे स्टोर करते हैं। फिर इसमें ट्राइजोल रिएजेंट डालते हैं पर 100 mg ऑफ द टिश्यू, मिंस ऑन द आइस यूजिंग स्टेराइल स्कैल्प एंड होमोजेनाइज विद द स्टेराइल पैलेट एंड पेस्टल प्रोब। इन केस ऑफ सेल कल्चर दे शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द इंक्यूबेटर। Either the centrifuge cell grown in the suspension at 300 into gram for 5 minutes and the room temperature 15 to 25, and discard the supernatant, remove the culture media from the cell grown in monolayer. Then add 1 ml of the triazole reagent per 1 × 10^7 cell to cell pellet directly to the culture media or flask or the cell grown in monolayer. देन री सस्पेंड करते हैं द लाइजेट विद द स्टेराइल डिस्पोजिबल 1 ml पेपर टिप। फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे टिश्यू को और सेल लाइजेट को 2 ml सिलिकोनाइज लो रिटेंशन ट्यूब में।
फिर इसको पास करेंगे सैंपल को स्टीराइल डिस्पोजेबल 21 ग्राम नीडल 10 टाइम के लिए। उसको करते हुए हम हाई मॉलिक्यूलर वेट सेलुलर कंपोनेंट डीएनए एंड फ्रैगमेंट अलग हो जाएंगे, थस मिनिमाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ एक्यूस फेज। उसके बाद होमोजेनेट करेंगे रूम टेम्परेचर 15 से 25 फॉर 5 मिनट और कंप्लीट करेंगे डिसोसिएशन ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स। फिर से होमोजेनाइज करेंगे 15 से 25 टेम्परेचर में 3 मिनट के लिए। फिर सेंटिफिकेशन करेंगे 12000 आरएमपी पर ग्राम 15 मिनट के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15-25 में। फिर करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे अपर एक्यूस फेज 600 माइक्रोलीटर में टू न्यू 1.5 आरएनए फ्रीज ट्यूब में। देन प्रोसीड द अल्कोहल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट ऑफ आरएनए फ्रॉम द एक्यूस फेज विद आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल, पहले भी बताएं 0.5 ml ऑफ आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल डालेंगे पर 1 ml ऑफ द ट्राइजोल यूज्ड फॉर इनिशियल होमोजेनाइजेशन। फिर इसको इंक्यूबेट करेंगे 15 से 30 सेंटीग्रेड के लिए 10 मिनट में। फिर इसके सेंटिफिकेशन करेंगे द्वारा 12000 एमपी 10 मिनट के लिए 2 और 4 टेम्परेचर में। फिर मूव कर देंगे सुपरनेटेंट के लिए, वॉश करेंगे आरएनए पैलेट वंस विद 75 इथेनॉल एडिंग एटलीस्ट 1 ml ऑफ द 75 इथेनॉल पर ml ऑफ द ट्राइजोल। नेक्स्ट हम मिक्स करेंगे सैंपल जो हमने निकाले हैं बाय बोटैक्सिंग, हिलाएंगे बोटैक्स उसको शेक करता है। साइंटिफिक एट नो मोर देन 7500 ग्राम फॉर 5 मिनट 2 से 8 डिग्री पे। फिर इसको बार बार पीट करना है। फिर एयर ड्राई करना है वैक्यूम में आरएनए पैलेट को 5 से 10 मिनट के लिए। फिर डिजोल्व करना है डीईपीसी में ट्रीटेड विद वाटर एंड पासिंग सॉल्यूशन फ्यू टाइम थ्रू द पेपर टिप सब्जेक्ट टू द स्टेप टू फोटोट्रॉपिक एनालिसिस टू डिटरमिन द सैंपल कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी। सो लास्ट में स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री से हम आरएनए को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हैं। जेल लाइक पैलेट ऑन द साइड ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्यूब ऑफ आरएनए प्रेसिपिटेट, जेल लाइक प्रेसिपिटेशन होगी साइड में। और ऑन टेकिंग ओडी एट, इसका हम लेंगे ओडी फोटोमीटर पे ऑप्टिकल डेंसिटी 260 नैनोमीटर एंड 280 नैनोमीटर द A to 60 A to 80 रेशो शुड बी अबव 1 to 6। सो फ्रेंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस प्रोटोकॉल्स फॉर isolation of RNA farthest from the sample। वो वीडियो कैसा लगा मुझे बताना और इसमें कोई कमी है प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आपको इसका PDF चाहिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।